हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट मैं मम्मी पापा को नाश्ता लेके आई हूँ। राजा भी ऑफिस गए हैं और मैंने लंच चढ़ा दिया है। तो लंच बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं थोड़ा घूमती फिरती रहती हूँ, घर भी साफ करती रहती हूँ। तो जो मेरी हाउस हेल्पर है वो अभी दो बार आ रही है, क्योंकि दो टाइम के बर्तन काफ़ी निकल जाते हैं। वैसे दो लोगों में ही निकलते थे, पर हाँ जब खाना ज़्यादा बनता है, जब खाना बनता है तो निकल जाते हैं। तो वो अभी आके गई है। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी शूट करनी थी, तो जो टाइम रहता है ना वो मिल नहीं पाता है। और मेरी आँखें भी देखी कैसी हो रही है, तो जो टाइम है वो एक्चुअली में एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे जब लंच चढ़ाती हूँ तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा टाइम है वो किसी भी तरह से मैनेज करती हूँ। तो आई थिंक जब आप फैमिली में रहते हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रही हूँ। तो अभी मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, मतलब कढ़ी का जो दही है और जो बेसन है वो चढ़ा दिया। एक मैं आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, और रोटी, क्योंकि रोटी ही लग रही है ज़्यादा, और थोड़े से चावल बनाऊँगी क्योंकि जो राजा हैं वो भी अभी आके खाना खा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि सब फैमिली एक साथ खा रही है। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, बट जो रीज़न है वो सही नहीं है, बट जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा काम निपटाते हैं।
तैयार हो गया है, मैंने रोटी बना के रख ली है क्योंकि हम लोग एक साथ लंच करेंगे। ये है कढ़ी तैयार है, पकौड़ी वाली कढ़ी है। ये है राइस और यह है सब्जी और ये पापड़ और सैलड जो मैं नीचे जाके काटूंगी। तो जल्दी से मैं लेके जाती हूँ, फिर एक बार ऊपर आती हूँ, फिर रोटी लेके जाती हूँ। ठीक है, मेरा मत करना ठीक है। खा लो ना, गरम गरम में खा लो। तुम लोग कैसे खाते हो, कितना बचेगा? कितना सारा है वो, कितना आप ही बचेगा वो। गुड मॉर्निंग, आइसक्रीम भी ले आना, आइसक्रीम चाहिए ना, ये ले वो काम भी पूरा करवाते उन लोग, मालूम ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा एक्सपर्ट हो जाएगी। नहीं क्या, हमारी भतीजी की शादी हुई थी तो उसको पता कुछ भी नहीं बनता था। हमारी जो भतीजी है कुछ भी नहीं बनता, तो कम से कम कुछ नहीं इतना तो कर सकती हूँ, खाना तो बना के खिलाओगी। मतलब लड़कियों से आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, काम आना चाहिए, ये करो चाहिए क्योंकि घर गृहस्थी तो रहती ही है, थोड़ा तो अपने को होना ही चाहिए। तो अभी हम कटनी चले गए थे, घर पे छोड़ के तो पूरा समय था उसमें। तो मैं आ गई हूँ नीचे से और घर में भी थोड़ा मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ है। तो एक आंटी आई थी हमारे पड़ोस की, तो खाना खाया है, फिर उनके लिए चाय बनाई, उनसे खाने ऑफर किया, उन्हें खाना खाना नहीं था क्योंकि वो घर से खा के आई थी। तो पापा ने खाना नहीं खाया है, राजा ने खाना नहीं खाया है, तो मैंने राजा को थोड़ा लालच दिया है कि वो आके खाना खा ले। तो वो आएंगे तो पापा भी उनके साथ खाएंगे, तो राजा और पापा एक साथ खाएंगे। मैंने एक रोटी और थोड़े से चावल खा ली, तो मुझे भी पता है बहुत भूख ही लगती है इसलिए मैंने कम ही खाया। और मैं अभी ऊपर आई हूँ क्योंकि मेरी हाउस हेल्प पर आएगी दोबारा से, मेरे को एक बार किचन क्लीन करनी है। तो अभी क्या हो रहा है, मुझे सांस फूल रही मेरी, तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर का खाना यहाँ पे बना लिया है, दोपहर का खाना नीचे बना लिया। कई बार मैं उठी हूँ और मुझे कुछ काम है घर में, या मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे कुछ चढ़ाना है, तो मैं दोपहर का खाना मैक्सिमम यहाँ बना रही हूँ, रात का नीचे ही कर देती हूँ। तो मेरे को ना डबल डबल काम करने पड़ रहे हैं कि वहाँ की रसोई क्लीन करके, फिर यहाँ की रसोई क्लीन करके, बर्तन नीचे वाले मैं खुद ही कर रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा ने बोला कि इतने बर्तन हो नहीं रहे और वो हम लोग रात में ही कर लेते, पापा ने कल कर दिए। वही हो रहा है कि वो हाथ के हाथ मंज रहे, यहाँ पे खाना थोड़ा ज़्यादा हो रहा, तो मेरी तो हाउस हेल्प पर लगी हुई है, वो गई थी नीचे पर उन लोगों ने लगाई नहीं मम्मी पापा लोगों ने, तो मैं बर्तन भी करके आई हूँ वहाँ के और यहाँ का मुझे जो काम है वो करना है। तो मैं जल्दी से रसोई साफ़ करती हूँ, मेरी हाउस हेल्पर आ रही है, मेरे को यहाँ की भी सफाई करनी है। मेरे को पता क्या है, जब मैं से आई हूँ ना, मैं उस दिन से मेरे को सफाई करने का टाइम नहीं मिला, देखती हूँ रात वात में थोड़ा एक दो घंटे निकालती हूँ, क्योंकि पता नहीं दिन ऐसे निकल जाता है कि पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। देखिए मैं थोड़ा बहुत मेकअप भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को मेकअप भी करना, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, ऐसे चुटकियों में निकल रहा है दिन, पता नहीं चलता। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, फिर उसके लंच की तैयारी करो, फिर लंच वंच खिलाओ, फिर 4:30-5 बज जाते पता है,
समझ में नहीं आ रहा है टाइम कहाँ जा रहा है। और फिर रात का खाना करो, और रात का खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नशा कर लिया और मुझे नींद आ रही है। तो देखते हैं राजा कितने बजे तक आता है, फिर पापा और राजा को मैं खाना गर्म करके देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा शायद लेट पाऊँ, शायद, पक्का नहीं पता, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करने भी जाना है, मुझे थोड़े बालों के साथ भी कुछ करना था अपने, पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए मैं थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ। तो हम लोग ऐसे ही मिल रहे हैं आज का, तो मैं आपसे ऐसे ही मिलती रहूँगी, तो ठीक है। हाय, तो मैं ब्लॉग ही नहीं कर पा रही, मेरी आँखें वाँखें सब इतनी सूजी हुई है, ये देखिए क्या हो गया। पता क्या है, मेरी इतनी हैबिट है नहीं कि मैं तीन टाइम का खाना नहीं बनाती, पर अभी क्या है बना रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दवाइयों का टाइम रहता है। तो ऐसा होता है सीरियसली, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या कहीं पर रहते हैं, मुझे अगर मैं रहती तो मे भी शायद मैं मेकअप ही नहीं कर पाती, अब मुझे लग रहा है कि हाँ शायद मैं कुछ अप्लाई ही नहीं कर पाती। तो रात भर काम करते करते, मतलब दिन से सुबह से उठी रहती हूँ मैं, और शाम के 8 बजते होंगे, रात के 8 बजते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो यही इसीलिए मेरी आँखें आप लोगों को ऐसी दिख रही है। आज मैं अपने बालों को तेल लगाऊंगी, मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, ये देखिए अलग अलग मौसम कलर निकल के, देखिए ये मैंने दिखाया ही नहीं आपको मेरे बालों का कलर, तो देखिए कैसे निकला है। तो मेरी जो हाउस हेल्पर आती है वो उस टाइम मैंने कराए थे, तो मुझसे पूछ रही थी क्या हुआ। हाँ, तो मेरी जो हाउस हेल्पर थी ना, वो भी आके मुझसे बोली थी कि आपकी, मतलब आंखें नहीं, वो तो देख के बोली थी आपके तो बालों का कलर चला गया। इवन मेरे जो बालों का कलर है ना, वो ऐसा लग रहा है ऐसे वाइट होता जा रहा है, देखिए है ना राजा, कुछ अलग ही कलर पकड़ लिया है इसने। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैं अपना एक मेकओवर करूंगी घर में खुद ही, जिसमें अपने बालों को, हाँ जैसे अपने बालों को भी कट कर सकती हूँ मैं। हो सकता है राजा किसी दिन आए और उन्हें मेरा एक अलग लुक देखे, अगर मैंने बाल ख़राब कर दिए अपने तो फिर अलग बात है, ठीक है। तो वो करना है मुझे, और जो लंच डिनर और ब्रेकफास्ट सब हो गया। तो क्या हुआ, क्या होता है, मैं एक पार्ट शूट करती हूँ, एक पार्ट नहीं कर पाती, मैं कैमरा नहीं लेके जाती हूँ बार बार। मैंने अगर लंच आप लोगों को दिखाया था, तो जो लंच था उस टाइम पर काफ़ी लोग आ गए, तो उसके फिर राजा, एक आंटी आ गई, सॉरी काफ़ी लोग नहीं, फिर राजा आए हैं, फिर राजा को खाना दिया था जब मैंने, तो मेरी हाउस हेल्पर भी आई थी। तो मेरी हाउस हेल्पर फिलहाल मैं दो बार बुला रही हूँ, क्योंकि वो बर्तन वाला काम रहता है, तो वो है। अभी मम्मी जो है, मम्मी का अभी इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो रहा होना है, ये 1.5-2 महीने लगेंगे उन्हें चलने में कि वो स्टैंड हो पाए अपने आप से। आज तो मम्मी पर सोफे से उठी थी खुद। हाँ, तो ना तुम थोड़ी ना थे, ऐसे बोले थे तुम घर पे, क्यों सोफे पे नहीं बैठी थी अभी, सोफे से उठ गई थी खुद ही। अच्छा, खुद उठ गई। हाँ, खुद उठ गई थी। क्या हुआ था, वो जो हम लोग के मेहमान आए थे ना, तो आंटी आई थी, उन आंटी को छोड़ने गए हम लोग, क्योंकि अब कोई भी आ रहा है तो हम लोगों को छोड़ के जाना पड़ता, तो मम्मी बाहर आ जाती थी। तो जैसे हम लोग बाहर खड़े थे, मम्मी उठ गई, मैंने, मम्मी थक गई थी पता, बैठे बैठे दो तीन घंटे बैठी रही, तो मम्मी थक गई थी बैठे बैठे। तो वो जैसे उठी ना, तो इसमें उठ गई, वो उठ गई थी, पर अभी थोड़ी थोड़ी वो कोशिश कर रही है, बट जो पैर है वो ज़मीन पे नहीं टिकना चाहिए। अच्छा, आजकल राजा नहीं आते ना, तो अभी राजा आपको 1-2 महीने नहीं दिखेंगे ब्लॉग में कुछ भी अपने मन से, क्योंकि मेरी और राजा की बात भी नहीं हो पा रही अभी फिलहाल। मैंने राजा से सिर्फ इतनी बात करी है सुबह से कि राजा खाना खा लो, आ जाओ खाना खाने, ठीक है। और डेली क्या हो रहा है, अब राजा टीवी चलाते हैं, खाना वाना हो जाता है हम लोग का नीचे, राजा टीवी चलाते हैं और मैं सो जाती हूँ, और मुझे पता ही नहीं चलता, मैं सुबह उठती हूँ फिर राजा चले जाते हैं। हम लोग की सब इतनी बात होती है, राजा खाना खा लो, आजकल हम लोग की बात बात सब कुछ चेंज हो गई, ज़्यादा बात नहीं होती है इतनी। हाँ, इतनी बात होती है हम लोगों की। हेलो, ऐसे देखो, ऐसे आज के वो राजा आने जा रहा है, राजा खाना खा लो, तो बस इतनी बात हो रही है। तो इतनी बात हुई हम लोगों की आज सुबह से, और कल भी हम लोग की इतनी ही बात हुई, कल संडे था उसके बाद भी, क्योंकि राजा टीवी देखने लगते हैं फिर बात होती नहीं हम लोग की भी। तो राजा अभी थोड़े से बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में बिजी है अभी। तो मेरी आपको हालत थोड़ी सूजी हुई दिख रही होगी, क्योंकि मैं सूजी नहीं हूँ, मेरी अभी थोड़ी सी हालत बैंड हो जाती है सुबह से। तो इतना हो गया, पता है अभी क्या है, मेरे को ऊपर घर साफ करना है, मेरा ऊपर कभी सफाई नहीं हो पा रही, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को कल थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैं जल्दी उठ के पहले ऊपर का सफाई करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी मैं नीचे। तो सैंडविच वगैरह है सुबह का मेरा प्लान, और मेरा इडली बनाने का मन था कल, पर मैंने कुछ भिगोया ही नहीं, मैं भूल गई भिगोना काम काम के चक्कर में। एक और चीज़, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कुछ कि वो आप लोगों से मैंने फेंट प्रेगनेंसी की बात करी थी, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ बंद करी थी, तो कुछ लोगों ने मुझसे बी टेस्ट सी जी टेस्ट के लिए कहा था।
तो बीटा एससी जो टेस्ट है उसके लिए मैं नहीं गई, क्योंकि वो हमेशा मेरा ऐसा रहता है कि वो कम रहता है और वो केमिकल में चली जाती है। तो बीटा एससी जी मैंने नहीं कराया। उसी के 4-5 दिन के अंदर मेरी जो साइकिल थी, अब वो साइकिल जैसी ही थी, अब साइकिल थी या नहीं, वो 2 दिन की थी मैक्सिमम, 2 दिन या 1.5 दिन की। वो साइकिल तो मेरे को लगी नहीं रही थी कि वो साइकिल है या नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो वो था कि मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या है ये, तो उस टाइम पे हो गया। तो इसलिए हम लोग बांधवगढ़ वगैरह चले गए थे, इसलिए मैं वडोदरा जा रही थी, इसलिए मैं इतनी फ्रीली काम कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ वहीं पर ऐसा लगा कि ख़त्म। उसके बाद फिर मैंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया था लाके, जो कि पूरा वाइट आया, तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई थी। तो ये हुआ था। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा ये है कि मुझे कहीं कहीं पर दर्द है पेट में, मुझे जाना है, मैं क्या बोलूँ पता है, मुझे जाना है डॉक्टर के पास, पर राजा बिजी हैं और अभी मैं भी बिजी हूँ। तो मुझे कल परसों भी पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, और मुझे पेल्विक एरिया जो मेरा है ना, वो बहुत ज़्यादा पेन में रहता है मुझे 2-3 दिन से। मतलब परसों तो बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा लग रहा था कि मेरे से उठते नहीं बन रहा। जैसे मम्मी पापा आए थे, जब मैं खाना बना रही थी, मेरे पेट में बहुत स्वेलिंग थी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे दिखाना चाहिए। और मुझे ना एक ये जो साइड है ये वाला, यहाँ पे भी थोड़ा सा ना जैसे गरम गरम, जैसे अंदर से कोई काट वाट रहा हो, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे PCOD या PCD है, क्योंकि आज तक मेरी साइकिल ऐसे इरेगुलर नहीं हुई, बट अभी फ़िलहाल थोड़ी सी इरेगुलर हो गई है। वेट पुट ऑन तो पता नहीं, मेरा वेट कांस्टेंट वही चल रहा है, बट मुझे वही लग रहा है कि एक बार जाके मैं सोनोग्राफी कराऊं। लग ज़रूर रहा है, पर मेरे साथ जाने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है, और मेरे को कोई लेके जाने वाला भी नहीं है। जब होगा तब मैं जाऊंगी, और जो भी रहेगा अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि पूरा दिन ऐसा निकल जाता है, और मैं कहती हूँ जाना है, पर ये होता है कि जा ही नहीं पा रहे कहीं पे भी। कहाँ लेके जाऊँ नहीं, तुम लेके कहाँ जाते हो मुझे भैया? को डॉक्टर का चलो, वो देगा वो, उसके बाद निकलेगी सोनोग्राफी। मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे एक PCOD टेस्ट कराना है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ है प्रॉब्लम। मुझे कल परसों ही बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है, और यही मुझे लग रहा था, पर जा ही नहीं पा रही हूँ कोई लेके। नहीं, मुझे जाना है वैसे, पर वो है कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा दर्द रहता है, और मुझे अभी थोड़ी कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है, पर देखते हैं कब जा रहे हैं। मुझे पता है दिक्कत जो थी मुझे तब से हो रही है, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद से थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई। फिर मुझे लग रहा था कि हाँ, फिर बांधवगढ़ गए थे तभी मुझे हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा था कहीं कहीं पे। मुझे ये जो अब स्टोन का तो पता नहीं मुझे कुछ, पर वो मुझे लग रहा था पता नहीं, कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कुछ सीरियस प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने जस्ट अभी नाश्ता बनाया था, उसके अंदर नहा के आई हूँ। तो नाश्ते में मैंने बनाया था ब्रेड और आलू के सैंडविच, तो ये मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगा कि यार ये बना लेते हैं। सुबह सुबह नाश्ता बना रहा था, आलू जो थे मैंने सुबह सुबह उबाले, और सबके नाश्ता बनाया। नीचे जो था वो नाश्ता मैंने पैक करके दिया, और अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। लंच मैं कभी यहाँ बनाती हूँ, गूगल
गुल हल्ला मचा रहा है। तो लंच में कभी कभी यहाँ बनाती हूँ, कभी कभी मैं नीचे बनाती हूँ, पर फिलहाल मैं जाके नीचे बना रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ खिचड़ी। राजा का भी पेट खराब है क्योंकि सैंडविच हैवी हो गए थे, थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट है, तो इसलिए लाइट मैं अभी लंच बना रही हूँ। और मैं दाल चावल वगैरह नहीं बना रही, मैंने मिक्स दाल जो है वो एक घंटे पहले भिगो दी थी नहाने जाने से पहले, उसके बाद नहा के आई हूँ और फिर मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। तो मैंने बीबी क्रीम लगाई है, काजल लगाया है और लिपस्टिक लगाई है, थोड़ी सी ढंग की दिखूँ। और मैंने ये टॉप पहना है, तो मेरे यहाँ पे मतलब इन लॉज के मतलब मेरे ससुराल में ऐसा कपड़ों को लेकर कोई बंदिश नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हो, बट शॉर्ट तो ऑटोमेटिकली आप नहीं पहनते, मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। फिर मेरे को लगा यार आज थोड़ा सा ही पहन लेते हैं क्योंकि मैं कुर्ते बहुत हो गए थे और मेरे कुर्ते धुलने के लिए रखे, मेरे कपड़े धुल नहीं पा रहे, तो मेरे पर लिटरली कुछ पहनने के लिए नहीं था और साड़ी पहन के काम होता नहीं है, तो मैंने ये पहन लिया और ये थोड़ा अच्छा खुला खुला सा भी है पहन लिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे लंच बनाने। तो जो भी मेरी दिल की बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोग बहुत पूछ रहे थे मुझसे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, आई थिंक वो कमेंट भी कर दीजिएगा कहीं किसी को लगे कि कोई नहीं पूछ रहा था, मैं अपने मन से बोल रही थी, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मेरे को लगा क्लियर कर देते। तो जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा, तो आज अगर राजा थोड़े से ठीक फील करते तो हम लोग जाते हैं गायनिक के पास, अदरवाइज़ वो नहीं। और गाइस प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहिए, बाहर मत जाइए, घूमने मत जाइए। हम लोग भी अब जो लास्ट बांधवगढ़ गए थे उसके बाद हम लोगों को लगा यार अब तो कहीं नहीं, तो कहीं घूमने मत जाइए। हाँ, और जैसे जिसको जिसको भी अगर किसी को बहुत ज़रूरी काम है तो जाइए, अदरवाइज़ प्लीज़ ट्रैवल अवॉइड करिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। बाहर का पता है हमारे घर में बिल्कुल बंद हो गया है, अभी जब से मम्मी पापा आए हैं, जब से मैं बांधवगढ़ से आई हूँ, एक बार भी बाहर का खाना नहीं आया कि जोमेटो वाला आया हो या हमने बाहर जाके खाया हो, इवन बाहर जाना ही बंद हो गया मेरा और राजा का। तो राजा ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं, हम लोग का बाहर जाना बाहर खाना सब कुछ बंद हो गया। तो घर का खाइए, घर का पीजिए, बाहर मत जाइए, बाहर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाइए, शॉपिंग भी अवॉइड करिए, शॉपिंग भी करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जब तक जान रहेगी तब आप बाद में शॉपिंग कर भी सकते हैं, बट अपने आप को अगर इन्फेक्ट कर लेते हैं और आगे चले कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली, तो जान है तो जहान है, फिलहाल अपने आप को सेव करिए, अपनी फैमिली वालों को सेव करिए और साफ़ सफाई में रहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह भी मत जाइए। तो अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय गाइज। अपनी रक्षा करिए, अपनी अपनी खुद की सुरक्षा करिए और अच्छे से रहिए और खुश रहिए। बाय।